हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है और उसका धातुओं में, अर्धचालकों में और विद्युत अपघट्यों में क्या इफेक्ट पड़ता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा समझना है तो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिरोध ताप गुणांक होता क्या है, इसे समझने के लिए हमें एक धातु का एक तार लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक धातु का चालक तार है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, R0 है, R0। और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका प्रतिरोध क्या है, RT है। तो देखिए, R0 और RT इन दोनों के बीच संबंध बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला, RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T। अब देखिए, RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तार का रेजिस्टेंस है। R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर बच गया क्या, अल्फ़ा। यही जो अल्फ़ा है, इसे ही हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो इस इक्वेशन से यदि हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा RT अपॉन R0 माइनस R0 इंटू R0 इंटू T, ये हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। अब हम देख लेते हैं कि ताप बढ़ाने या घटाने से जो धातुओं का जो प्रतिरोध होता है और प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ती है या घटती है। तो सबसे पहले हम धातुओं में देख लेते हैं। धातुओं में क्या होता है, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रतिरोध और उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो दोनों बढ़ता है। और ताप कम करने पर प्रतिरोध कम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होता है। अब मिश्र धातुओं में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन ये जो धातुओं में बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जितना बढ़ता है उसकी तुलना में मिश्र धातुओं में रेजिस्टेंस बहुत ही कम बढ़ता है। मतलब कि धातुओं के कंपैरिजन में मिश्र धातुओं का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में बढ़ता है पर बहुत ही कम मात्रा में बढ़ता है, और ताप घटाने पर प्रतिरोध भी घटता है। इसी तरह से विद्युत अपघट्य में ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि जो विद्युत अपघट्य होता है उसके अंदर आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो जब ताप हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आयन आसानी से गति करने लगते हैं। इससे क्या होता है, विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य में ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। अर्धचालकों में क्या होता है, अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की मात्रा कम होती जाती है, और ताप कम करने पर रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो अर्धचालक होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब है कि ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है और ताप घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और यहीं पर चालकों में क्या होता है, चालकों में इसका जस्ट अपोजिट होता है। चालकों में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घटता है। तो याद रखें, अर्धचालक NTC होते हैं और चालक जो होते हैं वो PTC होते हैं, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है उसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो समझ आया होगा आपको। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।